राधिका नगर में आरके क्लब विजयादशमी उत्सव समिति के द्वारा रावण दहन किया गया। यहां गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा रामलीला के पश्चात विशाल रावण को अग्नि के हवाले किया गया। दशहरे का पर्व सभी स्थानों की तर्ज पर राधिका नगर में भी भव्यता के साथ मनाया गया। यहां गणमान्य शख्सियतों की उपस्थिति में विभिन्न आयोजन किए गए। वहीं यहां प्रमुख रूप से आरके क्लब विजयादशमी उत्सव समिति के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव व कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अरुण सिसोदिया सहित गणमान्य नागरिक शामिल रहे। अतिथियों का स्वागत सम्मान परंपरा के अनुरूप किया गया। तत्पश्चात रामलीला का आयोजन किया गया, साथ ही साथ विशाल रावण का दहन किया गया। शामिल अतिथियों ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। विजय उत्सव समिति की तरफ से इस आयोजन के लिए आप लोग ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो लोगों को अपार जनसमूह देख रहे हैं, यही हम लोगों के मेन प्रेरणा है जिससे हम लोग इस कार्यक्रम को इतने सालों से लगातार कर पा रहे हैं। ये यहाँ के वार्डवासियों का लगाव है जिसके कारण 17 सालों से सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में यह इसी तरह और आगे बढ़कर चलता रहेगा। सभी लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। थोड़ा सा समय रामलीला के सर लोगों ने दिया, उनका माइक सेट हो रहा है, तो इसी बीच मैंने कहा दो शब्द आप लोगों के बीच बोलना चाहूँगा। यकीन मानिए, ये रावण की जो जलती हुई रोशनी को इतना लो बना लीजिए कि कोई बुराई आपके आसपास दिखाई ना दे, और ये छोटी छोटी चीजों से हम लोग खुश हो सकते हैं। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज हमारे समक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया था सफाई, कि हम अपने आसपास कोई गंदगी ना रखें और हर आदमी को ये इंश्योर करना है कि मैं साफ रहूंगा, मेरा आंगन साफ रहेगा, मेरा घर साफ रहेगा तो अपने आप पूरा भारत साफ हो जाएगा। बस उसी छोटे छोटे चीजों को इम्प्लीमेंट करते चलना है, छोटी छोटी चीजों को, कोई बड़ा बदलाव लाने की अपेक्षा नहीं, छोटा बदलाव ही अपने आप में आ करके एक बड़ा बदलाव होता है और होता आया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे पटरी पार से इतने सारे बच्चे जो हैं सरकारी नौकरी में लग रहे हैं जो आज से 10 साल पहले कोई सोचता भी नहीं था। लोगों को लगता था सेक्टर में सुविधाएं ज्यादा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। सुविधाओं के अभाव में भी इतने अच्छा कर रहे हैं और इतने बच्चे सेलेक्ट होकर सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। आप उन्हीं से सीख सकते हैं, उन्हीं से आप मोटिवेट हो सकते हैं। मोटिवेशन के लिए कहीं दूर किसी को देखने की जरूरत है। एक बार शुभकामनाएं बधाई सभी साथी, एक साथ जोर से नारा लगाएंगे जिससे कि इस माहौल में प्रभु की याद आए और प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरित हो सके। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। बहुत बहुत अच्छा अवसर है कि सत्य पर जिसने चला है उसी ने इस देश को, इस दुनिया को बनाया है। सच्चाई का मार्ग बहुत अच्छा रहता है। आदिकाल से इस बात को लोग कहते आए हैं, सुनते आए हैं और हमारे भी माता पिता अपने बच्चों को और हम अपने बच्चों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। वो जीत जब होगी जब हम लोग अपने घर से लेके, अपने स्कूल संस्थाओं से लेके, अपने समाज से लेके सही चीज बोलेंगे, सही चीज को पकड़ेंगे और सही काम करेंगे। और वो काम अगर कहीं पूरे देश में हो रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ सबको मालूम है ये इतना बड़ा मैदान। कार्यक्रम में क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।